परसा प्रखंड के मारर पंचायत के भलवाहिया गांव में बिजली के सर्व सर्किट से अचानक हुई अगलगी की घटना में 3 घर जलकर राख हो गया। साथ ही अगलगी में 1 मवेशी की जलने से मौत हो गई। अगलगी की खबर पर ग्रामीण जुट आग पर काबू पाने को कोशिश कर रहे थे, लेकिन पछुआ हवा की तेज रफ्तार में आग की लपट इतनी तेज थी कि आग को रोक पाना काफी मुश्किल था। देखते देखते में 3 घर में रखे लाखों के सामान जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि जमादार राय की पुत्री की 21 मई को बारात थी, जिसकी तैयारी पूर्ण कर लिया गया था। आग की लपट ने शादी के लिए खरीद कर रखी गई सभी सामग्री तथा लगभग 2 लाख नकद को जलाकर राख कर दिया। पिता के अरमान पर पानी फिर गया। अगलगी की सूचना पर अग्निशमन दल पहुंच पूर्ण रूप से आग पर काबू पाया। घटना में लाल बाबू राय तथा जियालाल राय के घर में रखे लाखों रुपए की सामान जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में बहारन राय ने बताया कि बुधवार की दोपहर में अचानक घर में आग लग गई। अगलगी की घटना में आगामी 21 मई को बेटी की बारात आने वाली है। शादी के लिए सभी सामान खरीद कर घर में रखा गया था। लाखों रुपए की सामान, अनाज, कपड़ा, जेवर, कागजात, लगभग 2 लाख नग जलकर राख हो गया। साथ ही 1 मवेशी भी जलकर मरने की बातें बताया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ अखिलेश चौधरी ने राजस्व कर्मी को भेज जांच प्रतिवेदन की मांग किया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर आपदा विभाग से राशि उपलब्ध कराने की बातें कही। अगलगी की घटना की खबर पर जिला पार्षद विनोद राय, पूर्व चीफ प्रतिनिधि कमलेश राय, मुखिया प्रतिनिधि आरिफ असलम, पूर्व मुखिया राजेंद्र राय, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि प्रो विमल राय, पैक्स अध्यक्ष लाल बाबू राय समेत दर्जनों लोगों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। D11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मोटर चालू कराओ। लार बुत हो सरकार इतना आगे है का पानी चलाओ ठीक बुरी तरीका से भूषण पार हो गया बासी कमी के बचा के भूषण पार हो गया।